चैनल, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विथ अनदर ब्लॉग और मैं वापस आ गई हूँ। जैसे कि आपकी डिमांड थी तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। जैसे कि आपकी डिमांड थी कि मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट पड़े तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके कमेंट पढ़ के। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपके कमेंट पढ़ के, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। आप लोग बोल रहे थे कि मैं मतलब आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, आप लोगों की वजह से ही मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को नहीं पता है, जो मुझे मास्टरलाइन टिप से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मुझे मतलब मुझे फीवर था, कुछ दिन से मुझे फीवर था। वहाँ पर मैं डेली वीडियोज अपलोड करती हूँ, बट वहाँ पर भी मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तो इसकी वजह से। और पहले जो वीडियो बना के रखे थे वो मैं गैप गैप में अपलोड कर रही थी। तो और ब्लॉगिंग का तो छोड़ ही दो, कि ब्लॉगिंग तो मैंने ऐसे समझो कि बंद ही कर दी थी जैसे, और आपकी वजह से ही मुझे स्टार्ट करनी पड़ी। आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए करनी चाहिए, तो मैंने फाइनली सोच लिया कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। आप लोगों के लिए ही मैं ब्लॉगिंग करूँगी। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि मुझे वापस आना ही पड़ा। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने 2 महीने से वीडियो अपलोड नहीं किया है, कोई भी मतलब ब्लॉग अपलोड नहीं किया है कोई भी इन एन मॉम कंचन पे। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कोई ओकेजन हो या कुछ ऐसा हो कि उस टाइम मैं ब्लॉग शूट करूं और ब्लॉग अपलोड करूं, बट आपकी डिमांड ऐसी थी कि मैं रेगुलर ब्लॉग करूं। बट अभी पता नहीं कि देखते हैं रेगुलर ब्लॉगिंग हो पाती या नहीं, बट आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है आपकी डिमांड पे। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, और पसंद आता है ब्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप जो कमेंट करते हो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो आपके कमेंट की वजह से, और ऐसे ही आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट की वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे वो पढ़ के। तो इसीलिए मैंने आपकी बात मान ली कि आपको चाहिए था मैं ब्लॉगिंग करूँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। और अब आपको क्या करना है कि आपको कमेंट करना है, मुझे बताना है, कोई सजेशन देना है, मतलब जो मुझे जो मेरा गलत होता है वो भी आप बताइए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ही कमेंट करो, मतलब नेगेटिव कमेंट मत करो, बट आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि ये आपका गलत होता है। क्योंकि मॉर्निंग रूटीन मैंने जब आपके साथ शेयर किया था तो किसी ने मुझे बोला था कि बच्चों को प्लास्टिक के ग्लास में नहीं पानी पिलाना चाहिए, तो ऐसे कमेंट आप कर सकते हो। क्योंकि ऐसे कमेंट की वजह से मुझे भी कुछ पता चलता है, कुछ मुझे नहीं मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा नहीं है मैं परफेक्ट हूँ अपने लाइफ में। कुछ मुझे आता होगा, कुछ मुझे नहीं आता होगा, कुछ आप मुझसे सीखोगे, कुछ आपसे मैं सीखूंगी, सही करके हमारी लाइफ चलेगी। तो अभी आप मेरे फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, और हमारी फैमिली अभी 2000 क्रॉस कर चुकी है, तो आपको भी पता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। और आपने इतना मुझे मोटिवेट किया, आपने इतना अच्छा अच्छा मुझे कहा कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो गई उसकी वजह से, क्योंकि आपको पता नहीं है मेरी 10 दिनों से तबीयत खराब थी, मेरे जो फीवर कफ कोल्ड हो रखा था। बट मैं आपके कमेंट की रिप्लाई भी लेटी लेटी ही दे रही थी, और इतना ज़्यादा मतलब आपको भी पता है कि मैंने पूरे कमेंट की रिप्लाई किए हैं। आपने जितने भी कमेंट किए हैं, मुझे लगता है कि 2-3 ही मुझे हेट कमेंट आया है, बट आप लोग इतने अच्छे हो कि आपने वो हेटर्स को भी मतलब रिप्लाई दे दिया। इतना प्यारे मुझे कमेंट आपके रिसीव हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वो कमेंट पढ़ के आपके। और आपको नहीं पता है कि आप मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा अहमियत रखते हो, आप लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरी लाइफ में। तो इसीलिए मतलब ऐसा ही मुझे सपोर्ट करती रहिए, ऐसा ही मुझे प्यार देती रहिए। तो आप लोग नहीं समझ सकते हो कि मेरी लाइफ में आप क्या हो, और आप ऐसे ही मेरे जो सपोर्ट करते रहोगे, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहोगे। मुझे पता है आप मुझे प्यार करोगे, और मैं ब्लॉगिंग करूँगी आपके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, बट पता नहीं अभी रेगुलर हो पाता है या नहीं, क्योंकि मेरा दूसरा भी चैनल है आप लोगों को पता है, और उस चैनल पर भी मुझे वीडियो अपलोड करने होते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है मेरा दूसरा चैनल तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको हो सकता है हेल्पफुल लगे। तो वहाँ पर भी मैं प्रोडक्ट के रिव्यू और ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ मैं वहाँ पर प्रोडक्ट के। आपको अगर परचेस करना हो तो आप वहाँ पर जाके मतलब रिव्यू दे सकते हो। मेरे पूरे जो रिव्यू होते हैं वो ऑनेस्टी होते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का पैसा या मतलब किसी की स्किन खराब हो या पैसा वेच जाए, मतलब इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। क्योंकि मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट में मेरा भी लॉस हुआ है, मैंने भी ऐसे प्रोडक्ट परचेस कर लिए हैं बाकी यूट्यूबर के वीडियोस देख के, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ आपके साथ। मतलब
ऑनेस्टली वो शेयर करूंगी तो आपका भी पैसा सेव हो जाएगा। और मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि ये प्रोडक्ट लेना है या वो प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप वो रिव्यू देख के आप प्रोडक्ट ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे रिव्यू दूँ कि आपको हेल्पफुल लगे, तो इसीलिए आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। आपको हेल्पफुल लगे तो आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब मुझे कर सकते हो, वहाँ पर भी ऐसा ही प्यार देते रहिए मुझे। और जो ये मेरा चैनल है इंडियन मॉम कांचन, वो ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है। मैंने 6 मंथ या 7 मंथ पहले ही ये चैनल स्टार्ट किया था। यहाँ पर भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपना बेस्ट दूँ, यहाँ पर भी आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊँ। ब्लॉग भी मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, तो आप अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी देख लेना। जब तक मेरे ब्लॉग नहीं आते हैं तो तब तक आप उसे देख सकते हो। उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि उसमें भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। हाँ, अभी मैं जा रही हूँ डीमार्ट, मतलब अभी बज रहे हैं, आप देख सकते हो 7:45 बज रहे हैं। तो क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया, आपको मैं बताना भूल गई कि आज संडे है। आज हमने थोड़ी सी रेस्ट की, ज़्यादा ही रेस्ट की हमने, और इसीलिए हमें मतलब उठने के लिए लेट हो गया, तो थोड़ा सा लेट ही काम चल रहा है। तो इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले दिया वगैरह लगाया और फ्रेश वगैरह हुए हम लोग। अभी ये चले गए थोड़ा सा बच्चों को बाहर लेके, और बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह दिलाने चले गए हैं, तो उधर से आ जाएंगे और हम लोग जाएंगे डीमार्ट। तो ग्रॉसरी शॉपिंग मेरी बाकी है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसकी वजह से हमने ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की, मंथली शॉपिंग ग्रॉसरी। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मंथली शॉपिंग हम इसी डेट को करते हैं उसी डेट को करते हैं, बट मंथली शॉपिंग करना ज़रूरी है। जब मेरी किचन की मेन ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है उसी टाइम हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग। तो इसी वजह से मेरी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग भी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि आज कर लेते हैं। आज डेट है 17 और अभी हम लोग आज मंथली शॉपिंग करेंगे। बट कोई बात नहीं, इतना सारा सामान था घर पे और कुछ ही सामान ख़त्म हो गया था, तो उतना एडजस्ट कर लिया हमने। ये इधर की ही शॉप से लेके आए थे, तो इसी वजह से इतना कुछ पता नहीं चला। तो आज जाते हैं डीमार्ट और करते हैं शॉपिंग। और मुझे कहीं जाना है, मतलब जिम ज्वाइन करने के लिए। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन कर लिया है। आप मुझे बोल रहे थे ना कि इतना काम आप कैसे कर लेते हो, इसीलिए मैंने मेड छोड़ दी। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं वेट पुट ऑन कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने मेड छोड़ दी और मैं खुद अपना काम करती हूँ अभी घर का। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने देखा ही है कि मेरे घर के जो काम होते हैं वो मैं सारे खुद ही करती हूँ। और मेड जब थी तो मैं इतनी आलसी हो गई थी कि कुछ भी काम नहीं करती थी, और इसी वजह से मैंने सोचा अभी खुद काम कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैंने सारे काम खुद ही करना स्टार्ट कर दिया और अभी मैं खुद ही काम करती हूँ सारे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट मेंटेन किया जाए, तो इसी वजह से मैं अभी जिम ज्वाइन करने के लिए जा रही हूँ। तो उधर से हम लोग पहले, पता नहीं अभी, पहले तो डीमार्ट जाएंगे, उधर से हम लोग जाएंगे जिम के लिए, तो वहाँ पर देखेंगे एडमिशन करवा लेंगे मेरा। तो चलिए फिर जाते हैं डीमार्ट और देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिए और एंजॉय करिए। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय। जैसे कि आप देख सकते हो कार पैकिंग है, तो अभी ये कार निकालेंगे। और कार नहीं निकाली थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, और 10 दिन 15 दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, तो अभी आज हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। तो अभी ये कार निकालेंगे। चलिए मैं निकलती हूँ और लॉक कर लेती हूँ। अभी हम लोग निकल चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हो ये माही और अद्विक पीछे बैठे हैं। आप लोगों को पता है जब मैं पहले व्लॉगिंग करती थी तो अद्विक मेरे पास बैठता था, बट अभी अद्विक बड़ा हो चुका है और अद्विक को भी दीदी के पास बैठने लगा है। आप देख सकते हो अद्विक, हाय कर दो। हाय माही, हाय कर दो बेटा। हाय
हाँ। तो अभी कभी पीछे बैठने लगा है, मतलब काफी बड़े हो चुके हैं बच्चे अभी। तो चलिए फिर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं डीमार्ट और पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। तो आज बहुत ज़्यादा रश लग रही है जैसे कि आपने देखा, और वैसे भी शाम को बहुत ज़्यादा रश रहती है, तो हम लोग ज़्यादातर शाम को ही आते हैं। सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है इनको इनके ड्यूटी की वजह से, तो ज़्यादातर हम लोग बाहर शाम को ही निकलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शाम को इतनी ज़्यादा रश को फेस करना पड़ता है। अभी देखते हैं कि जाके और वहाँ पर सामान लेने के बाद भी क्या होता है कि उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश रहती है, तो वहाँ पर भी नंबर इतने लगाने पड़ते हैं काउंटर पे, तो वहाँ पर भी बहुत टाइम चला जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर डीमार्ट में आने के बाद इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। यहाँ का चेंज कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर एक मिनट देखिए चेंज कर दिया है। यहाँ पर पोस्टर लगा के रखे थे पहले, अभी इन्होंने पेंट कर दिया है। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं अभी क्या क्या लेना है। तो आपकी फ्रेंड है? हम लोग निकल चुके हैं और शॉपिंग हो गई है, वो आ रहा है पीछे से। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद सॉफ्टी खाते हैं। यहाँ पर कोई भी सॉफ्टी लो 15 रुपीज़ की ही होती है, तो इसी वजह से हम जब भी डीमार्ट आते हैं तो सॉफ्टी यहाँ पर खाती है। बट अभी क्या हुआ कि तबीयत ख़राब थी, तो इसकी वजह से अभी अभी तबीयत ठीक हुई है, तो हमने क्या किया इस बार सॉफ्टी नहीं खाई, ऐसे ही चले आए। और ये उधर से आ रहा है, बाप रे बहुत ही कसरत कर रहे हैं। तो चलिए सामान तो ले लिया है, डाल देते हैं डिक्की में और निकल जाते हैं। देखते हैं अभी जिम में जाना होता है या नहीं होता है, तो जैसे ही अभी इनको पूछती हूँ ये क्या बोलेंगे, तो जाना होगा तो हम ज़रूर जाएंगे, नहीं तो फिर आज घर पे चले जाएंगे और बाद में फिर देखते हैं कल वगैरह चले जाएंगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं और हमारा जाना होगा क्या वहाँ पे अभी जिम में? नहीं, 9 बज गए। हाँ 9 बज गए, रहे तो कल जाएंगे। तो अभी घर पे जा रहे हैं हम लोग, अभी कैंसिल कर दिया हमने वहाँ पर जाना, और बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो घर पे जाके मुझे खाना भी बनाना है। तो फिर अभी आज कैंसिल कर देते हैं, तो कल जाएंगे और कल देख लूँगी मैं, या तो मैं खुद जाऊँगी नहीं तो फिर इनके साथ जाऊँगी। तो चलिए फिर अभी घर चलते हैं। घर पे हम लोग आ गए हैं और हम लोग गए नहीं उधर, मतलब जिम में हमें जाना था तो उधर हम लोग गए नहीं, और घर पे हम लोग आ गए अभी। और अभी बज रहे हैं 9:30, तो मुझे खाना भी बनाना है, मेरा खाना नहीं बना था अभी तक। तो पहले खाना बना के जाती तो अच्छा रहता, लेकिन अभी जल्दबाजी हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि संडे है आज, इसी वजह से वहाँ पर रश होगी। बट वहाँ पर गए तो पता चला कि संडे की वजह से ही इतनी रश है। और जल्दी जल्दी से हमने सामान लिया जो हमें चाहिए था,
ग्रॉसरी शॉपिंग ही की और ऊपर गए ही नहीं हम लोग, मतलब थोड़ा सा कुछ लेना था तो फिर भी वो नहीं लिया, बिल वगैरह किया और बाहर चले आए। हाँ, तो चलिए फिर फटाफट से हाथ पैर धोती हूँ और लगती हूँ मेरे काम में। तो मुझे खाना भी बनाना है और जल्दी से एप्रन पहन लेती हूँ अपना और खाने बनाने में लग जाती हूँ। तो 1 मिनट, हाथ पैर धो लेती हूँ पहले, 1 मिनट। तो मैंने हाथ पैर धो लिए हैं और अभी चेंज करने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ इसी पे एप्रन पहन लेती हूँ और जल्दी से खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो अदवि क्या खा रहा है? अदवि कर माही मूरी खा रही है। मुरमुरा खा रही मुरमुरा हूँ। है ए हे अदवि अदवि, चप्पल लेके आया, सैंडल सैंडल तू निकालो बेटा, सैंडल निकालो किचन में, सैंडल जाओ जल्दी से। तो चलिए खाना बनाने में लग जाते हैं। तो मैंने हाथ पैर धो लिया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने एप्रन वगैरह पहन लिया है। तो जल्दी से मैं खाना बनाती हूँ अभी, और इतना टाइम नहीं है, 9:30 बजे, 9:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आधे घंटे में खाना बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन, हम लोग उधर से ही चिकन लेके आए थे, तो अभी मैं चिकन बनाऊंगी। और अगर आपको चिकन की रेसिपी देखनी है तो आज मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में या जब भी मैं चिकन बनाऊंगी तो आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। तो अभी मैं जल्दबाजी में हूँ, तो अभी पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। एक्चुअली मेरा खाना बन गया है और हम लोग वेट कर रहे हैं श्रीकांत के आने का। श्रीकांत अभी तक नहीं आया है, तो इसी वजह से हमने खाना नहीं खाया। वो बाहर का हो गया है, तो इसकी वजह से उसने बोला है कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो हम लोग वेट कर लेते हैं उसका, और वो आ जाए तो हम लोग खाना खा लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। आपको तो पता ही है कि मैंने चिकन बनाया है, बट आज मैंने राइस नहीं बनाया है, सिर्फ रोटी और चिकन ही बनाया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था इसकी वजह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। तो आप देख सकते हो ये है चिकन और यहाँ पर है रोटी। तो आपने देख लिया कि मैंने चिकन बनाया है और रोटी बनाई है। तो श्रीकांत आ जाने के बाद हम लोग खाना खा लेंगे। और तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। और आपको पता है क्या करना है, जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।